यूपी बिल का मामला खत्म होगा, आम आदमी पार्टी आपके साथ आने वाली नहीं है। देखो ऐसा है कि एक हम लोगों के यहाँ कहावत है अवध में कि सावन के अंधे तो सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो भ्रष्टाचारियों को हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भाजपा ही बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। अरे जिस पार्टी के लोग 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं अजीत पवार पे और दूसरे दिन उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिस पार्टी के लोग वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं हेमंत बिश्व शर्मा पे और उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिस पार्टी के लोग शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम का आरोप लगाते हैं और उसको लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं, उस पार्टी का कुछ बचा है क्या? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए सजा पा चुका हो, वो लोग भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। और अभी 2 बजे मैंने सुना कि अमित शाह नेहरूवादी हो गए, अभी 2 बजे, उसके पहले नेहरू को गाली दे रहे थे, अभी जैसे 2 बजे घुसे सदन में तुरंत कहने गए नेहरू हमारे आदर्श हैं, नेहरू हमारे आदर्श हैं। अटल जी को याद करो जो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत जिंदगी भर करते रहे, अपना घोषणा पत्र पढ़ो अमित शाह जी, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, किसने? भाजपाइयों ने लिखा था। तो इसलिए आज संख्या बल के आधार पर एक राज्य सरकार के खिलाफ आप गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दूर दूर तक ये बिल कहीं टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। सर इंडिया अलायंस ने भी बातें कही, कहा कि सब हट्टा पे हो गए, जनता विश्वास नहीं करेगी, और कांग्रेस को आगाह कर दिया कि आम आदमी पार्टी। अरे वो तो 38 दल लेके बैठे हुए हैं एनडीए में, कौन कौन से दल, हम तुम कहाँ कैसे क्यों लेकिन वेकिन मेकिन कामा फुल स्टॉप सबको तो बुला लिया था, 38 दल लेके बैठे हैं जिसमें से 26 के पास एक भी सांसद नहीं, 7 के पास एक सांसद, तो घबराहट है ना, घबराहट हो रहा है ना।